तीसरा महीना 2023 कंफ्यूजन हो जाती है थोड़ी सी, है ना। तो 2023 है और आपको 6 को देखने को मिलेगा। अभी 7 तारीख को अपने 8 तारीख होली है, तो होली के 2 दिन बचे हैं केवल, खूब होली इंजॉय करेंगे। और ये मैं पापड़ देख रही थी, सारे पापड़ जो बनाए थे ना सारे सूख गए, और वही रखने की तैयारी कर रही थी, ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। आज का ब्लॉग मैंने घर में जो है भुजिया, पहले की भुजिया और वो सारी चीज़ें एक साथ नहीं बनती ना, तो नमकीन बनाई है मैंने, बनाने जा रही हूँ। तो बनाई क्या है, हाँ बनाऊँगी, अरे यार कंफ्यूज हो रही हूँ, चलो कोई बात नहीं, तो बनाऊँगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। बाकी तो आता ही है सबको, लेकिन हाँ मैं जैसे बनाती हूँ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिएगा किस किस वैरायटी से बनाती हूँ, नमकीन तो एक ही होती है, लेकिन हाँ डिज़ाइन थोड़ा मैं बताऊँगी आप लोगों को। तो चलिए नेक्स्ट टाइम। तो गाइस बाजार के मतलब पापड़ आ गए, बाजार के क्या मतलब आयुष पीयूष के पापा अपनी दुकान से ही लाए। अब जहाँ पर जो वो होलसेलर दुकान है ना जहाँ जॉब करते हैं, तो ये जो है साबूदाना है छोटे वाले, और इधर चिप्स थी, और ये गोल गोल बतासे जैसे पापड़, और वो जो पहले दिखाया ना वो ट्रायंगल था, ये चुड़ी है, और ये फूल जैसे नहीं होते ये वो है, है ना। और सबसे बड़ा पापड़ आपको दिखाएं बनारसी, जिसको कहते हैं बनारसी पापड़। जैसे हमारे यहाँ के नॉर्मल से आलू के 4 पापड़ जोड़ के इसको एक बनाया जाए, तो ये समझिए 4 पापड़ का एक पापड़ है, ये आलू का पापड़ है, बनारसी आलू का पापड़। देखिए ये पापड़ कितने छोटे हैं। और यहाँ पर हम सीधे आ जाते हैं अपने मतलब नमक पारे और मठरी वगैरह बनाने के लिए, मैदा गूंदने के लिए। तो यहाँ मैंने नमक डाल दिया है, नमक मैं थोड़ा ही डालूँगी क्योंकि बहुत नमक अगर हो जाता है तो सही नहीं लगता है। और यहाँ पर अजवाइन डाल दी है, अजवाइन के बाद हम इसमें डालने वाले हैं मोहन। तो मोहन आप रिफाइंड का भी दे सकते हैं, बाकी डालडा का भी दे सकते हैं। तो मैं डालडा डाल रही हूँ, डालडा घी होता है ना उसको गर्म करके पिघला के वो डाल रही हूँ। और अच्छा सा मोहन, क्योंकि डालडा का अच्छा मोहन आता है, और मोहन के लिए घी का यूज़ अच्छा होता है, तो थोड़ा सा जम गया है, लेकिन हाँ ये इससे मैं मोहन दूँगी, मतलब मोहन क्या जिससे मठरिया नमक पारे वगैरह जो होते हैं ना बहुत ही खस्ता बनते हैं, ठीक है। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मैदे में, सारे मैदे में मिक्स कर लेंगे। तो ये वही पापड़ है जो मैंने उस दिन बनाया था, ये घर के पापड़ हैं फिलहाल, और कितने छोटे हैं, और जो बाहर का दिखाया वो बहुत बड़ा है, मतलब इसके 4 पापड़ जोड़ के वो बड़ा सा बना हुआ है। तो यहाँ पर मैदे में मैंने अच्छे से जो जो घी है ना मिक्स कर लिया है, आप देखिए ये घी मिक्स कर लिया है। और इस तरह से हम मुट्ठी बना के देखेंगे तो हाँ ये बंद रही है, तो इसका मतलब इसमें मोहन ठीक है। तो बस हमें इतना ही मोहन इसमें चाहिए, और अच्छे से हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा गुनगुना पानी से ही और इसको गूँथ लेंगे, मतलब गूँध लेंगे बढ़िया सा, गुनगुने पानी से ही गूँधेंगे, क्योंकि इसमें घी से ही हमने मोहन दिया है ना, ठंडे से गूँधेंगे तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी, क्योंकि गाँठें पड़ जाएंगी और घी जम सा जाएगा, ठीक है। तो हम इसको गूँथ लेते हैं, और एक ना तो ज़्यादा बहुत टाइट ना तो बहुत क्या कहेंगे सॉफ्ट डो नहीं तैयार करना है, मतलब बीच का मीडियम वाला डो तैयार करना है। तो मैं पूरा तैयार कर लूँगी इसी से मठरी वगैरह, और एक ही चीज़ है डो एक ही बार तैयार किया है नमकीन वाला ये,
तो इसी से मठरी बनाऊंगी, नमक पारा, मतलब नमक पारा तो उस जिस दिन गुजिया बनाऊंगी ना उस दिन भी बन जाएंगे, क्योंकि कटिंग निकलती है तो नमक पारा तो जाहिर सी बात है उससे बन जाएगा। तो इससे मठरी है और भी तरह तरह की डिज़ाइन है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और ये देखिए डो बन के तैयार हो गया, और इसको थोड़ा सा घी या रिफाइंड लगा के ग्रीस करके रख देंगे कम से कम 10-15 मिनट के लिए रेस्ट पे। और जब तक हम दूसरा आटा मतलब मैदा तैयार करेंगे, डो तैयार करेंगे, जिसको बोलते हैं खजुरिया। तो खजुरिया के लिए हम मैदे में मैदा लेंगे, मैदा तैयार करेंगे, इसको रख देते हैं। खजुरिया के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पर करीब एक कटोरी होगा छना, छान लिया था पहले से इसमें रख दिया था, रवा है एक कटोरी रवा है, हाँ तो एक कटोरी हम लेंगे इसमें, एक से डेढ़ कटोरी रवा है तो एक से डेढ़ कटोरी हम लेंगे मैदा। दोनों चीज़ की मतलब बराबर होना चाहिए, आप देख लीजिए तो अपने हिसाब से। और दोनों चीज़ को मिक्स कर लेंगे, दोनों रवा और मैदा को मिक्स कर लेंगे। और गाइस आप ऐसे बना के देखिए को बहुत टेस्टी, और मतलब बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आती है, इतनी खस्ता बनती है। और दूसरी चीज़ इसका टेक्सचर जो आता है ना बिल्कुल बिस्किट जैसा, जैसे हम नमकीन और मीठा बिस्किट खाते हैं ना, बस सेम टू सेम। और इसमें हम नमक भी डालेंगे, नमक ऐड करा जाता है, केवल मतलब मीठा नहीं नमक भी ऐड करा जाता है। तो हमने इसमें नमक डाल दिया करीब एक चम्मच, अपने हिसाब से डालिएगा। अभी हम इसमें चीनी का सिरा हमने पहले से बना के रखा है, ये देखिए चीनी है ना, नहीं चीनी नहीं सॉरी, ये तो हम मोहन दे रहे हैं, तो ये डालडा से ही मोहन दे रहे हैं, आप रिफाइंड से भी दे सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा मोहन जो है मोहन थोड़ा सा जाएगा, जो रिफाइंड या घी है खस्ता बनते हैं बहुत टेस्टी बनते हैं, तो थोड़ा सा हल्का सा ज़्यादा जाएगा क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, क्योंकि रवा भी डालिए ना हमने। तो देखिए तो मोवन बहुत अच्छे से हो गया, इसमें भी बहुत अच्छे से ऐसे बैंडिंग करिए, देखिए हो रहा बन रहा है ना, तो बहुत ही बढ़िया ये मोवन बहुत अच्छे से इसमें गया है। अब इस समय हम इसमें इसको डायरेक्ट पानी से नहीं सानना है, मतलब डो बनाना है, आटा मतलब मैदे को हम इस सिरे से ही गूँथेंगे। ये जो मैंने शक्कर का सिरा बनाया है, बस जैसे एक कटोरी पानी है ना, तो आधा गिलास पानी एक गिलास पानी डाल के बस उसको पिघला लिया, घुल गई है चीनी हमारी, तो चीनी को घोल के उसी से ही आटे का डो बनाएंगे, मतलब मैदे का डो बना रही हूँ। तो ये देखिए डो बन के तैयार हो गया, और थोड़ी ज़रूरत पड़े तो पानी से अपना गूँथ लीजिए। अभी ऐसा है ना, अभी रख देंगे तो ठीक हो जाएगा, 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे, 10-15 मिनट, जब तक तो हम इधर हमारा 15-10 मिनट हो जाएगा नमकीन वाले को। ये मीठा है और बहुत टेस्टी लगते हैं, बिल्कुल नमकीन और मीठे बिस्किट जैसा लगते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ पर मैं पहली डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ, एक बड़ा सा मतलब ले लेंगे, कोशिश करिए पतला ही बेलिए, स्टार्टिंग में मैंने ले लिया था, और पूरा अच्छे से चारों तरफ से बराबर कॉर्नर से लेकर बराबर हमको बेलना है, बराबर बेल लेंगे, और बीच से मतलब चारों तरफ से हम कट लगाएंगे। देखिए पहले सिंगल कट लगाएंगे चाकू से, और ऐसे चारों तरफ से हम लगा लेंगे, और बहुत ही प्यारी डिज़ाइन बनती है गाइस, बना के ज़रूर देखिएगा। और मतलब है तो नमकीन वही है एक ही जैसा, लेकिन डिज़ाइन थोड़ा तरह तरह की हो जाती है, देखने में यूनिक लगता है ना, तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो यहाँ मैं ऐसे इस तरह कट लगा रही हूँ, इसी तरह ही कट लगाना है, सारे कट लगा लेंगे, ये देखिए है ना, तो ये देखिए इसमें और एक एक कट लगाएंगे क्योंकि बड़े हैं काफ़ी, ये देखिए मतलब आपने हिसाब से लगाइए, जितने आपको बड़े बनाने बड़े के हिसाब से लगाइए, छोटे बनाने छोटे के हिसाब से लगाइए, जैसे बनाने तो बहुत प्यारे लगते, देखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं, और यूनिक लोग सोचते हैं कि डिज़ाइन कैसे बनाया, तो बहुत प्यारा लगता है। तो मैं आपके साथ सारी डिज़ाइनें शेयर कर रही हूँ जो मैं, और बहुत ही मतलब घर की चीज़ों से ही डिज़ाइन बन जाती है, बहुत जैसे कि हाँ हमको बहुत सारी चीज़ें मेहनत करनी है डिज़ाइन के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही यूनिक डिज़ाइन और बहुत ही सिंपल तरीके से, देखने में तो कठिन लगेगी जब जो इंसान देखेगा तो हाँ यार कैसे बनाया होगा सोचेगा, लेकिन हाँ आप जब बनाओगे ना तो बहुत सरल। ये देखिए बस ऐसे हम करेंगे ऊपर से मतलब नीचे तक ला के हम फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए लग रहा है ना कितना प्यारा लग रहा है ना, ये देखिए बहुत ही अच्छे से ऐसे देखिए सारे हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए, और ये खुलेंगे बिल्कुल नहीं। हाँ अगर आपने मैदा बहुत ढक के रखिएगा
सूखे ना, अगर सूखी सी लग रही है तो साइड में आप पानी लगा लीजिएगा तो चपक जाएंगे और फ्राई करने पे भी नहीं खुलेंगे। ये देखिए छोटे छोटे से रोल्स तैयार कर लीजिए और खाने में इतना मतलब खस्ता और कुरकुरा लगेगा और देखने में भी यूनिक लगेगा, बहुत ही प्यारा। अब देखो ये देखिए, और बनाने में भी मज़ा आ रही है। कोई घर में होगा ना, बच्चों का काम है, बिल्कुल खेलने में मन करेगा ऐसे ही करते रहूँ सारे, मतलब लगेगा सारे जो नमकीन बनानी हो ना ऐसे ही बना लूँ। बहुत ही मज़ा आती बनाने में, कितना फ़न वाला काम लग रहा है ना तो ऐसे ही आप भी बनाइएगा, अगर आपका मन करता है तो बनाइएगा ठीक है। किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, मतलब मैंने वही है ना, मैं जो कर रही हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने खूबसूरत डिज़ाइन लग रही है। एक पास्ता शेप लग रहा है, कुछ अलग ही शेप है, बहुत ही प्यारा सा। और इसको फ्राई करेंगे, मतलब ये पहला मैंने डिज़ाइन बनाया है और यहाँ हम बनाने जा रहे हैं दूसरी डिज़ाइन। और दूसरी डिज़ाइन के लिए आप ये देखिए इस तरह से लग रहे हैं ना, खजूरिया, नमकीन खजूरिया है, इसमें कोई मीठा नहीं है, नमकीन खजूरिया। और खजूरियों के ऊपर देखिए एक छोटी छोटी बिंदी दिख रही है। तो ये मैंने कैसे बनाई है, तो देखिए मैंने छोटी छोटी सी एक मतलब लोइयाँ ले ली हैं, छोटी छोटी सी लोइयाँ ले ली हैं। उसके बाद मुझे मैं क्या कर रही हूँ अभी देखिए तो यहाँ पर हमें लेना इस तरह से, ऐसे सिंगल भी होगा तो चलेगा, ये जो कद्दूकस होता है ना, बस कद्दूकस में ऐसा कर देंगे तो एक छोटी छोटी सी बिंदी जैसी आ जाएगी, तो जो देखने में बड़ी यूनिक लगेगी। देखिए हाँ, ये देखिए बस इस लोई को इसी को ऊपर ऐसा करके घुमा देना है। ये देखिए देखिए क्या डिज़ाइन आ रहा है ना, लग रहा है ना बहुत प्यारा सा। और ये भी बहुत ही खस्ता बनती है, जैसे मठरी होती है ना, एक नमकीन मठरी कह लीजिए, खजूरिया कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। यहाँ आ गई तीसरी, हाँ तीसरी डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। तो जो नॉर्मल से सबको आती है जैसे पराठा सेप आती ना, तो वो हम ये मठरी बना रहे हैं और बीच में घी लगा के बस इसको फॉक से या चाकू की मदद से हम इसमें छेद कर लेंगे। ये देखिए हम तिकोना वाले जो पराठे होते हैं ना, वो मठरी बना लिए छोटी छोटी, जो कॉमन सी आती। बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं दिखाई क्योंकि आप सब करीब लोग जो मुझे लगा कि हाँ ये बनाना, ये दिखाना ज़रूरी है, दिखा दूँ मैं आपको ये डिज़ाइन। एक ये डिज़ाइन है, ये भी बड़ी कुरकुरी बहुत ही बढ़िया बनी थी। और बस ऐसे ही हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, पूरा कट नहीं करना, बीच से कट करना। आप देखिए कटिंग देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, बस कटिंग। ये चौथी डिज़ाइन है शायद, हाँ आपके लेना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कितनी डिज़ाइन है। और इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ये देखिए, और बहुत ही प्यारी बहुत ही अलग सी डिज़ाइन है। देखिए इस तरह मैंने बहुत सारे बनाए हैं और फ्राई करने पे आप सोचिए कितने प्यारे लगेंगे देखने में, और किसी के सामने जाएंगे तो देखने वाला देखेगा ना ये कैसे बने मस्त लग रहे हैं। अभी आती है वो मीठे खजूरिया बनाने की, तो मीठी खजूरिया के लिए वैसे मैं ऐसे रोल्स बनाती थी पहले मैं सूप से, लेकिन अब की बार मैं डिज़ाइन अलग दे रही हूँ, बिस्किट का बिस्किट जैसा शेप दे रही हूँ, लेकिन इसके ऊपर डिज़ाइन कैसे दूँगी वो भी आप देखिए। आपने उससे पहले देखा ना, खाने में कसम से कह रही हूँ, आप नमकीन तो बनाते ही हैं लेकिन एक बार ये ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं। और इस तरह से छन्ना ले लेंगे जिससे हम पूड़ी वगैरह और निकालते हैं ना, बस इसको पलट लेंगे और इसके ऊपर ये हमने जो लोई है ना ऐसा करके प्रेस कर लेंगे, प्रेस कर लेंगे। उसके बाद इसको हम आराम से निकल आएगी, कोई वो नहीं है। और ये देखिए, और आप डिज़ाइन देखिए है ना, बस इसी तरह मैंने सिंपल ट्रिक से बनाया था, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं था, बस लोई बना बना के रख ली। और वाकई बहुत टेस्टी भाई, हम बार बार कह रहे हैं आप ट्राई ज़रूर करना, ये चीज़ ज़रूर ट्राई करना। और देख कितना यूनिक डिज़ाइन भी लग रहा है, कितना सरल है ना, सोचा था कि हाँ इन सब चीज़ों से मैं भी बनाऊंगी, लेकिन मैं दिखा रही हूँ कि हाँ इस तरह से बना सकते, कितना पेड़ जैसा शेप आ रहा है ना। और जब फ्राई हो जाता है तो बिल्कुल बिस्किट लग रहा है। तो सारी चीज़ें बन गई हैं, तो अभी चलेंगे इनको फ्राई करेंगे। और फ्राई करने का क्या है, हमको स्लो टू मीडियम गैस रखनी है, क्योंकि सारी चीज़ें बीच की आंच में, आपको तो पता ही होगा बीच की आंच में फ्राई करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में बहुत गर्म में नहीं, जल जाएंगे नहीं तो। और यहाँ पे चलते हैं किचन में सीधे। चलिए तो यहाँ मैंने डाल दिया है जो मैंने पहले स्टार्टिंग बनाया था ना, वो डालना पहले ज़रूर था, सूख रहे थे। तो ये फ्राई हो रहे हैं ठीक है। बाकी मैंने पापड़ी भी बनाई है, नमक पारे भी थोड़े से बनाए हैं, वो मैंने दिखाया नहीं क्योंकि जो मुझे लगा कि हाँ ये डिज़ाइन के लिए बेटर, थोड़ा सा तेल गर्म था स्टार्टिंग वाला, तो ये अब मीडियम में हो जाएगा। बीच की आज मैंने कर दी है, तो ये फ्राई हो रहा है।
और देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना, लग रहे हैं ना प्यारे प्यारे। सही है, कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ये खजूरिया है, नमकीन वाली मठरी समझ लीजिए, खजूरिया समझ लीजिए जो मैंने बताया था। और देखिए कितनी वो बिंदी बिंदी कितनी खूबसूरत लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है ना, लग रही है ना। तो बता दीजिएगा कौन सी सबसे अच्छी आपको लगी, डिज़ाइन कौन सी अच्छी लगी, और आप लोग क्या बना रहे हो ये भी बता दीजिएगा। और मेरी जो जो मेरी फैमिली की तरफ से, मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी यूट्यूबर यूट्यूब फैमिली है ना, सबको हैप्पी होली एडवांस इन एडवांस, ठीक है। तो सभी लोग खूब अच्छे से होली इंजॉय करें, भगवान सबकी होली बहुत अच्छी जाए। और इतने सारी इस होली में इतने सारे रंग आए आपकी, कभी जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, दुख ना आए, है ना। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ दिखाई, कितने खूबसूरत लग रहे थे, फ्राई हो गए थे। यहाँ पर एक साथ मैंने मठरी है और जो नमक पारे थोड़े बनाए थे, तो ये मैंने एक साथ डाल दिए थे। ये दिखाए नहीं बनाते हुए, क्योंकि ये तो कॉमन सी है सबको, कट वो तो हम बचपन से ही कट करके नमक पारे बनाना, ये मठरी वठरी तो बनानी आती है ना। थोड़ा जो मुझे लगा कि हाँ ये डिज़ाइन आपके साथ शेयर करना, तो वो मैंने शेयर करी। तो ये पापड़ी है फ्राई कर रहे हैं इधर, तो ये भी हम बीच की आंच पे ही फ्राई करेंगे, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे। और ये आ गई लास्ट में हमारी खजूरिया। खजूरिया फ्राई करते समय थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि हमें इस पर बार बार कलछिन नहीं मारनी है, हमको बीच की आंच रखनी है, ठीक है। हाई फ्लेम से लेकर फिर बीच की स्लो कर देंगे, और बिल्कुल धीमी उस पर नहीं डालना है, क्योंकि रवा रहता है और बहुत, जब हम इस पर तेल में डालते हैं तो बहुत सॉफ्ट हो जाता है खजूरिया। यहाँ पे ये देखिए मैंने फ्राई कर लिया, कितने सॉफ्ट लग रहे हैं, सॉफ्ट भी है बहुत सारा, खस्ते बने हैं मतलब सॉफ्ट क्या। और ये बिंदियाँ वाली हैं, और ये देखिए मठरियाँ हैं, पतली पतली जो मठरियाँ होती हैं वो। और यहाँ पर ये छोटी छोटी सी इसको क्या कहेंगे, पापड़ी है। और ये देखिए ये मैंने जो बनाया था कट वाले, ये वो हैं, और ये मैंने पहले बनाए थे। और ये जो सबसे बेहतरीन, मतलब कलर पर मत जाइए, क्योंकि ये ऐसे फ्राई करने पे आप अगर बार बार कलचिंग करेंगे ना, बहुत सॉफ्ट हो जाता है, टूट जाएंगे, टूटने का डर होता है। तो एक बार डालेंगे तो वो अपने आप ही फ्राई होते हैं ना। तो बस ये चीज़ है, बन गई है। अब भुजिया तो बस भुजिया भुजिया बाकी रह गई है, और भुजिया में जो कच्चा तो निकलती ना, बस उससे नमक पारे वगैरह बनाने रहेंगे। बाकी तो देखिए मैंने बना दिया है। और ये सब जो ये मैंने जो दिखाया ना खजूरिया, ये नमकीन खजूरिया है, ये मीठी खजूरिया है। तो बस इसका जो बनाने का तरीका था ना, वो थोड़ा अलग है, और ये इतने टेस्टी, इसकी जैसे लगे खस्ता ऐसे बना के ट्राई जरूर करिएगा, थोड़ा बहुत ही टेस्टी। आई होप मुझे पसंद आया आपको, आप लोग क्या नाम है, चैनल मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा, छोटा सा छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल, और सभी को एडवांस हैप्पी होली, ठीक है। कल मिलते हैं होली में, किसी होली में ही हमारे यहाँ हमारे होली वाले दिन ही होली होती है, जब बनाते हैं तो मिलते हैं कल में आपके साथ। जाते जाते गुड ख्याल रखो, मम्मी पापा ख्याल रखो, जिसके ख्याल रखो उसके ख्याल रखो, फैमिली बाय। Love you.